दिया गया था, और फर्स्ट ऑफ ऑल जब हृदय के बारे में आपने सुना तो क्या रिएक्शन था? जब मुझे ये पता चला कि हमारे जो यंग म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पर हैं, ये इनका नाम है हृदय घटानी और मेरे बेटे समान हैं ये, जैसे सिद्धार्थ है जैसे शिवम है, वैसे ही मैंने हृदय को बहुत बचपन से देखा है। एंड वी हैव बीन फैमिली, मोर देन फैमिली एक्चुअली। हमने काफ़ी सारे म्यूज़िकल जो एक्सपीरियंसेस है हमने साथ में शेयर किया है, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये कर रहा है म्यूज़िक फॉर और म्यूज़िक डायरेक्टर है, क्योंकि मैं उनका बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हार्ड रॉक में कभी परफॉर्म करता था या रहमान के शो में परफॉर्म करता था, तो आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम एज अ सिंगर एज अ परफॉर्मर। मैं खुद ही एक मौका दिख रहा था कि मैं कभी काम करूं उनके साथ, मैं कभी उनको गवाऊं, ये यू नो यू गेट द करेक्ट सॉन्ग। जब मैं ये एक तलाश कर रहा था तभी मैं देखा कि ये म्यूज़िक डायरेक्टर है, उसको मुझे गवाना है, तो मैं सुन के इतना खुश हुआ, मैं बोला कि ये आई हैव टू डू इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। मैं बोला कि कैसे भी करके मैं करूँगा ही करूँगा, तुम्हें रुकना ही होगा मेरे लिए, मैं आके तुम्हारे पिक्चर में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने गाया नहीं। तो आई थैंक हिम फॉर वेटिंग फॉर मी, उन्होंने काफ़ी रुका, लेकिन इट वॉज़ वेरी नाइस ऑन हिज पार्ट। और जब मैंने गाना सुना तो मैं दिल खुश हो गया, बिकॉज बहुत कम बार ऐसे चैलेंजिंग सॉन्ग्स लोग कंपोज करते हैं जिनको गा के भी मज़ा आता है, सुन के मज़ा आता है, और एक म्यूज़िकल चैलेंज एक म्यूजिशियन को लगता है। तो ये जो वाह कहने वाली बात है, ये लोग जो सुन रहे हैं वो भी वाह कहेंगे, म्यूजिशियंस भी वाह कहेंगे, इस तरह का कॉम्पोजिशन है। तो मैं बस अपना ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद और अपना गुड विशेस हृदय और पूरी टीम को देता हूँ। ये फिल्म जैसे वो बता रहे थे ब्रीफ, बहुत स्पेशल फिल्म है और बहुत अच्छी तरह इसे प्रोड्यूस किया गया है, डायरेक्ट किया गया है। तो आई विश दिस टीम ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं ये उम्मीद करता हूँ लोग सुनेंगे गाना। हमेशा हमेशा प्राउड फीलिंग होती है जब अपने रूट से टच होना, मराठी पिक्चर के लिए काम करना, कितना आपके लिए ये बहुत अहम बात है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का, मेरा जन्म यहीं हुआ, ये तो मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, यहीं पर बड़ा हुआ, पैदा हुआ, और महाराष्ट्र से मुझे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, अगर वो म्यूज़िक हो या एक्टिंग हो या म्यूज़िक कंपोजिंग हो, लोगों ने इतना प्यार दिया, दे रियली नेवर 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 थॉट ऑफ मी एज बीइंग अ नॉन महाराष्ट्रियन इन अ, क्योंकि मैं अपने आप को खुद ही महाराष्ट्रियन समझता हूँ, एंड आई रियली फील स्ट्रॉन्ग फॉर दिस कल्चर। तर ये गाना गा के मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एक रूरल फील है, इसमें एक मतलब इसकी मिट्टी की खुशबू है इस गाने में, और इसने इतना अच्छा कंपोज किया, इतना अच्छा कंपोज किया, और इतना अच्छा उसको म्यूजिकली प्रोड्यूस किया, सजाया है उसको, सुन के दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा जब अपना बेटा जब भी कुछ करता है तभी कैसा लगता है, वैसा लगा मुझे। एक्सट्रीमली आई फील ब्लेस्ड, ऑनर्ड, एक्सट्रीमली ऑनर्ड। और एक चीज़ थी कि आई वॉज ऑब्वियसली वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू हैव हिम सिंग माई सॉन्ग, इट्स द बिगेस्ट ऑनर एवर। एंड मोर देन दैट कि ये जब गाना बना ही था ना, जब मैं कंपोज कर रहा था और जब खत्म होने को आ रहा था, आई कुड हियर इट, आई कुड हियर शंकर सर सिंगिंग इट, आई कुड ओनली हियर हिम सिंगिंग इट, बिकॉज इट नीडेड दैट एनर्जी एंड दैट डेप्थ एंड ऑब्वियसली दैट एक्सपीरियंस टू कम ऑन बोर्ड एंड मेक इट साउंड द वे इट साउंड्स टुडे। एंड आई एम जस्ट एक्सट्रीम, इट्स एंड यू नो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद हिम, बिकॉज आई फील लाइक I wanted to work with everyone who has so much experience, because then you can learn from them, you know, that's the most important part. First of all, congratulations for the great hit of your song Surma, also like going viral. Thank you, thank you, thank you very much.